अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, हरिया से हैं। आज मैं आपको चना चाट की रेसिपी शेयर करने लगा हूँ। बहुत ही आसान रेसिपी है, फटाफट से बनने वाली रेसिपी है, वो आज हम आपको बना के दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास एक पाव आलू हैं, इनको हमने अच्छे तरीके से बॉयल कर लिया है, बॉयल करके इनको काट लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके साथ में एक कप चने हैं, काबली चने, इनको हमने अच्छे तरीके से बॉईल कर लिए, ये शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। एक टमाटर है दरमियाने साइज का, इसको भी हमने काट लिया छोटे छोटे पीसों में, ये शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। इसके साथ में एक प्याज है दरमियाने साइज का, इसको भी हमने ब्रीक काट लिया है। साथ में सब्ज मिर्चे हैं दो, इनको भी हमने काट लिए, ये भी शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। बहुत ही शॉर्टकट रेसिपी हम आपको ये बता रहे हैं, चना चाट की रेसिपी, नहायत मज़ेदार रेसिपी है। इसके साथ में हमने इमली भिगो के रखी हुई थी, हाफ कप में थोड़ी सी इमली थी, उसका पल्प शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुठलियाँ हमने रिमूव कर ली थी, और साथ में एक चुटकी काला नमक शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक चुटकी सुराहर दादर मिर्च। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वन टेबल स्पून भर के चाट मसाला शामिल कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इन सब चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, इस तरीके से आपने इनको मिक्स कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राम राम से आपने इनको मिक्स करना है इस तरीके से। जी हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अभी इसके ऊपर एक नींबू लेंगे, इसको निचोड़ देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। जी अभी हम आपको सर्व करके भी दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से आपने ना इस तरीके से बिस्मिल्लाह। और साथ में दो चम्मच दही डाल लेंगे, थोड़ा सा आपने दो चम्मच दही लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से आप डाल लें, कोई मसला नहीं है। बिस्मिल्लाह। जिस वक्त आपने खानी है दही शामिल कर दें, दही के साथ खाए आपको बहुत ज़्यादा टेस्ट आएगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे पुत्र, की हाल है? ठीक ठाक हो? तो अज मेरे पुत्र ने चाट बनाई है, तो मैं थानू चेक कर भी दादो मां टेस्ट करके बताते हैं कैसी बनी है। बड़ी मज़ेदार, अच्छी बनी है दादी माँ जी, मज़ेदार करारी। चने और आलू अच्छे तरीके से दादी माँ जी कर लेंगे, चने भी गाल गए नहीं, आलू भी। ठीक है जी। नहीं जी, दादी माँ को बहुत ही पसंद आई है चना चाट। बहुत अच्छी बनी। दादी माँ जी एक मैसेज आया, उन्होंने बोला कि दादी माँ को दांत लगवा दें। दांत की करने ने, उन्हें नहीं कि जिंदगी को नहीं, तो जेड़े डंग है नहीं इं लंघ जा, माड़ा चंगा खाना खा ही लेना। मेरे तिया पुत्र चाहते ने असं दंद दादी लवाने, तो मैं नहीं, नहीं पुत्र हूँ जिंदगी का कोई पता नहीं किड़े बजे निकल जानी है फूक। तो ये भाई जो कुछ है ना रब दे जो कुछ बने वे वो ही ठीक ने। अजकल बनावटी दंद का ही स्वाद कोई नहीं होता, वो तो शो ही होंगे ने। तो हम मैं बटेरा बंदा, मैनू की लौड़ है लवाने दें।
पाक तुम जिंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, अल्लाह थोड़े बाल बच्चे कामयाब करे, आमीन। अल्लाह उन्होंने तंदुरुस्तियां दे, जिंदगियां दे, तुहाडियां भी कमाईयां च अल्लाह बरकत पाए, आमीन। अल्लाह देसियां परदेसियां दी खैर होवे, आमीन। मेरियां तियां दियां जिन्हां दियां नहीं अड़ियां परियां, उन्होंने मौला की जात उन्होंने दुनिया के संग रवाए, आमीन। अल्लाह उन्होंने चोरियां अड़ियां करे, मौला की जात किसी गल की कमी ना छड़े, तो अल्लाह को बड़ा कुछ है, जे वे कर्म कर लगे कोई चिर नहीं लाता, तो अल्लाह पाक जिंदगी दे तुहाडे पुत्रां नूं, अल्लाह उन्होंने दहत पाए, माँ प्यो का फर्मा दाद बनाए, तो तुहाडियां कमाईयां च अल्लाह बरकत पाए। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।